बेटा मेरा ना खाने को मन नहीं कर रहा, इसे साइड में रख दे बस। मैडम जी ये चिप्स मुझे दे दीजिए, आप बहुत भूख लगी है। अरे क्यों दे दे हम तुझे चिप्स, तू क्या हमारा रिश्तेदार लग रहा है क्या? तूने हम पे कोई एहसान करके छोड़ दिया है जो हम तुझे फ्री में चिप्स दे दे? नहीं दे रहे कोई चिप्स, चल निकल यहाँ से। ये क्या फ्री के आ रहे हैं और हमारे चिप्स हैं, हम खाएं या फेंके, तुझे काहे के लिए दे? बर्बाद करने से अच्छा ये चिप्स आप मुझे दे देंगे ना तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। आगे चिप्स दे दीजिए। पूरे 5 रुपए का लिया है मैंने ये पैकेट, और 5 रुपए में ना तुझे से भिखारी को मैं 5 बार खरीद के 10 बार बेच दूंगी, समझ गया तू? मुंह उठा के ऐसे कह रहा है चिप्स दे दो जैसे कि इसका बाप छोड़ के गया चिप्स। तेरी बुद्धि में दीमक लग गई है क्या? एक बार में समझ में नहीं आता, नहीं देना तो नहीं देना। ऐसा क्यों बोल रही है आप, मेरा एक पैकेट में हो जाएगा, आपको पता है मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अबे अपना ये रोना धोना बंद कर, और तू चाहे 1 दिन से भूखा रहे चाहे तू 100 दिन भूखा रह के मर जा, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहती हूँ अभी जाके मर जा, तेरे जैसे जीने का भी क्या फायदा है? जब देखो मुंह उठा के आ जाओ तो चिप्स दे दो, ये दे दो, तुम्हारे चक्कर में हम कुछ चैन से खा भी नहीं पाते रोड पे पागल रही। और वैसे भी ना तेरे एक चिप्स के पैकेट से होगा क्या, तेरे तो 100-200 पैकेट चाहिए तेरी भूख पेट की शांत करने के लिए, और खा के राक्षस हो रखा है, यहाँ पे चिप्स मांगने आया है ये भोली सी सूरत बना के। ठीक है मुझे समझ आ गया कि आप लोग मुझे चिप्स नहीं दोगे। अच्छा रुक, चिप्स खाएगा? खाऊंगा ना, दे दो। देख मैं ना बहुत गुस्से वाली हूँ, अगर तूने मुझे हंसा दिया ना तो मैं तुझे 1 नहीं 10-10 पैकेट दूंगी चिप्स के, चिप्स के। ये तू मुझे हंसा रहा है या मेरा मजाक बना रहा है? हम आपको क्यों चिढ़ाएंगे, हम तो आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे बस। तो जैसे एहसान फरामोश लोग ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, एक तो मेरी माँ तेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रही है तो चिप्स दे रही है, और तू उसके बदले में ये करके दिखा रहा है, उनकी नकल करता है। पर मैंने तो कोशिश करी ना मैडम जी इनको हंसाने की, आप चिप्स दो ना मुझे। अभी के अभी ना मेरी आंखों के आगे से दफा हो जा, नहीं तो तुझे चाटे मार मार के ना तेरे गाल लाल करके भेजूंगी तुझे, निकल नजर मत आ जाइयो दोबारा। चिप्स मांग ले, छोड़ बेटा तूने से धक्का देके भगाया यहां से। हां मेरा बस चलता, चप्पल भी मार दी इसके। अरे क्या हो गया भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? साहब मैं क्या बताऊं, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने 2 मैडम से चिप्स मांगे थे, उन्होंने मुझे चिप्स नहीं दिए, मैं कुछ थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती करी और चिप्स भी नहीं खिलाए और भगा दिया। आप शांत हो जाएं, ऐसे रोएं मत, देखिए दुनिया है, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। वैसे मैं तो यही कहूँगा ना भाई साहब आपसे कि आप मेहनत करके कुछ कमाएं। साहब गरीब आदमी है, कहाँ से ढूंढेंगे जो, कौन देगा, हमारी नौकरी नहीं लग सकती साहब, नौकरी के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। देखिए अभी तो मैं आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता कि मैं आपका कहीं काम लगवा दूँ, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, लेकिन हाँ अगर कुछ सही होगा और आपसे कभी दोबारा मुलाकात हुई तो आपकी जॉब में जरूर लगवाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको कुछ खिला देता हूँ, बताएं क्या खाएंगे आप? साहब हमारे पास चुनने का अधिकार नहीं है, जो मिलेगा वो खा लेंगे, बस पेट ही तो भरना है। आइए मैं खिलाता हूँ आपको। अरे ओ अभी तक तेरे से गाड़ी साफ नहीं, मरे मरे हाथों से कर रहे हम इन सब, हो गई ना पूरी गाड़ी अच्छे से साफ हो गई है। हाँ तो जब गाड़ी साफ हो गई तो अपनी ये मनहूस शक्ल लेके यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, दफा होना यहाँ से। वो मैम आपने कहा था ना मैं आपकी गाड़ी साफ करूँगा तो आप मुझे 50 रुपए दोगे, अब जल्दी से दे दो ना, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा लूंगा। क्या क्या बोले रहे तू, 50 रुपए? मैंने कब कहा तुझे कि मैं तुझे 50 रुपए दूंगी? अब जब तू गाड़ी गंदी करेगा तो पैसे हम देंगे तेरे साफ करने के, तूने गाड़ी गंदी करी उसे साफ कर दिया। लेकिन मैम साहब मैंने आपकी गाड़ी कब गंदी की? गाड़ी पर टेक लगा कर तू खड़ा था ना, अब गाड़ी भी साफ तू ही करेगा, क्या तेरी जगह हम गाड़ी साफ करेंगे क्या? देखो मैडम ऐसा मत करो, अच्छा नहीं होता किसी गरीब के हक के पैसे मारना, प्लीज दे दो ना। ये लो हो गया इसका इमोशनल ड्रामा चालू, बेटा तेरे पास कुछ खुले पैसे पड़े थे उसके मुंह पे मार। 20 रुपए ही है, दे देती हूँ, देख
तेरी ये शक्ल देख के मेरा मन एक रुपए देने का नहीं है, लेकिन तू जो इतना रो और गिड़गिड़ा रहा है ना, इसकी शर्म करके दे रही हूँ तुझे 20 रुपए, रेडी से कुछ खा लियो, ले और निकल यहाँ। पर मैडम इस 20 रुपए में क्या आएगा, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। यार इनकी तो भूख खत्म ही नहीं होती, ये क्या बोल रहा है तू? अब 20 रुपए दे दिए तुझे, ये भी राजी नहीं हो रहे? भिखारी चल निकल यहाँ से। अरे भाई उदास क्यों बैठा है, क्या हो गया? और बहुत दिनों से तू दिखा भी नहीं। यार बहुत भूख लगी है, 3-4 दिन हो गए खाना ही नहीं खाया। और वो ये आंटी रहती है ना बिल्डिंग में, उनकी जो लड़की है, उसने मेरे से गाड़ी साफ करवा ली और पैसे भी नहीं दिए। यार तू सही कह रहा है, ये ना बहुत बेकार लोग हैं, इन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया था और मेरे को चिप्स भी नहीं दिए थे। अरे छोड़ ना तू ये सारी बातों को, देख बड़ी मुश्किल से तेरे भाई को खाना मिला है, दोनों भाई मिलके खाएंगे ना, आ जा। तुम्हारा पेट कैसे भरेगा फिर? अरे यार तू ऐसी बातें मत कर, देख खाना मिला है ये सोच, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, और वैसे भी है ना भूख अकेले खाने से नहीं मिटती, बांट के खाने से मिटती है। तू आ जा जल्दी, आ जा जल्दी आ जा। यार इसमें तो एक ही रोटी है, पर कोई नहीं भाई, आधी आधी खाएंगे दोनों, ले पकड़। अरे देख बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यार ये लड़का बेशक पैसों से गरीब है, लेकिन दिल का सच में बहुत अमीर है। खा लिया खाना? हाँ साहब खा लिया खाना। और भर गया पेट? हाँ भर गया ना पेट। सच सच बताओ पेट भर गया? साहब एक ही रोटी थी, हमने आधी आधी खा ली, और साहब मिलके खाइए ना, बांट के खाइए, तो पेट भर गया हमारा। तुम्हारी जैसी सोच आजकल बहुत कम लोगों की रह गई है, अगर तुम्हारी जैसी सोच हर किसी की हो जाए ना, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए रहने के लिए। खैर छोड़ो, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि कुछ काम धंधा करो, लेकिन तुमने अभी तक कोई काम नहीं करा, ऐसा क्यों? हाय नहीं साहब, कैसे करे काम धंधा, और हम लोगों को नौकरी पे कौन रखेगा? तुम दोनों में से मैं एक को तो नौकरी दे सकता हूँ, और दूसरे को 4-5 हज़ार रुपये दे दूंगा, कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सकता है उससे वो। हाँ साहब मैं रिक्शा किराए पे लेके आना, रिक्शा चलाऊंगा। साहब और कोई भी छोटा मोटा काम होगा ना वो आप मुझे देना, जैसे ऑफिस में चाय बनाने का या फिर सफाई का, वो सब मैं कर लूंगा। तो ठीक है फिर, डील डन है, तुम्हें नौकरी मिलेगी और तुम्हें मैं दे दूंगा कुछ पैसे। अभी एक काम करते हैं, बाहर जाके कुछ खा के आते हैं, क्योंकि तुम लोगों को ही बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी। बाहर? हाँ हाँ बाहर जाएंगे खाना खाने, आओ। अंदर नहीं जा सकते आप। तू तो वही है ना जो मुझसे भीख मांगने आया था कि चिप्स दे दो, तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लग गया। अच्छा है कम से कम तू रोडों पे भीख तो नहीं मांगेगा। चल छोड़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई और गर्मी भी बहुत है। ऐसे नहीं जा सकते आप, लेट हो चुके हो, इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, अपने घर जाइए। औकात भूल गया क्या तुम? याद दिलाओ दोबारा, कान पे ऐसा बजाऊंगी ना सब याद आ जाएगा पास में जाके। मुझसे फालतू मत बोल, मुझे इंटरव्यू देने जाना है तो मतलब जाना है, और मेरे लिए कुछ टाइम वाइम नहीं होता, समझ गया? जा रही हूँ मैं, वो बॉस डिसाइड करेंगे। ये आपका घर नहीं है जो कभी भी इंटरव्यू दो, ऑफिस के रूल है कुछ, आप जाइए अपने घर। अपनी जबान संभाल के बात कर मुझसे, वरना तेरी टांगे तोड़ के तुझे यहीं बिठा दूंगी। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे रोकने की? तू होता कौन है, तेरी कंपनी है या तेरे बाप की कंपनी है? मुझे ना कोई नहीं रोक सकता, मुझे अंदर जाना है तो मतलब जाना, और जाके ही रहूंगी, समझ गया? अरे मैडम आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार में 10 बार समझाऊं मैं आपको? तू ना ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ना ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। चल। अरे मैडम मैडम, अरे आप बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? सुमित इन्हें अंदर क्यों आने दिया आपने? सर मैंने इन्हें मना किया था, मैं इन्हें रोक भी रहा था, लेकिन ये जबरदस्ती धक्का देकर आ गई, अब आप बताओ मैं क्या करूं? ये बात है तो मैं बात करता हूँ इनसे। मैम आप अंदर क्यों आई बिना परमिशन के, और बताएं क्या काम है आपको? सर वो मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ पर। इंटरव्यू देना है तो फिर टाइम पाना चाहिए था ना, इंटरव्यू का टाइम आवर हुए तो 2 घंटे हो गए, अब क्यों आई हैं आप?
सर वो मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो रिक्शे वाले से मेरी बहस हो गई। मैंने उसे बोला कि मैं उसे डबल पैसे दे दूंगी, लेकिन सर फिर भी वो नहीं आया मेरे साथ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आप रिक्शे वाले को डबल पैसे दे रही थी, फिर भी वो नहीं आया, ऐसा क्यों? सर वो बात ये है कि जो रिक्शे वाला था ना, एक बार हमने उससे गाड़ी साफ करवाई थी और मेरी मम्मी ने उसे किसी कारण पूरे पैसे नहीं दिए थे, तो शायद इसी चीज़ का उसने मुझसे बदला लिया है आज सर। खैर ये तो आपने बहुत ज़्यादा गलत किया, जब उसने मेहनत की थी तो आपको उसके पैसे देने चाहिए थे। जब आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा ना, इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। छोड़िए ये आपका पर्सनल मैटर है, वैसे तो टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी आप आई हैं तो मैं आपका इंटरव्यू ले ही लेता हूँ। सर ये वही है जिन्होंने मुझे खाना नहीं दिया और विक्रम को गाड़ी साफ कराने के बाद उनके पैसे भी नहीं दिए, और मेरे को तो ऐसा लगता है जो रिक्शा वाले वो भी विक्रम ही हैं, क्योंकि विक्रम फिलहाल रिक्शा चला रहे हैं। सर इनमें और इनकी मम्मी में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत गंदे लोग हैं, आप इनका इंटरव्यू मत लीजिए। सर ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उनके पैसे भी नहीं देते हैं, उनका हक मारते हैं। सर सर देखिए आप प्लीज़ मेरे पास्ट को लेके मुझे जज मत करिए, सर वो मेरा पास्ट था, मैं उसमें ऐसी थी, लेकिन सर अब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आप लोगों की सच में बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, वो भी दिल से, सर अब मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करती, आप प्लीज़ सर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब आप समझ भी नहीं सकते हैं। और सर वैसे भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो दो अलग चीज़ें हैं ना, अगर मुझसे कुछ भी पर्सनल लाइफ में हुआ है तो वो चीज़ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्यों इफेक्ट डालेगी? सर मैं प्रोफेशनली बहुत अच्छी हूँ सर, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, आप चेक करिए। हर वक्त डिग्री ही मैटर नहीं करती मिस साक्षी, कई बार इंसान का व्यवहार भी मैटर करता है, और जिस तरह से मैंने आपके बारे में अभी सुना ना, तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि आपका व्यवहार बहुत गंदा है। दरअसल बात यह है ना साक्षी, जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हमारे साथ कंपनी में और इम्प्लॉयज भी होते हैं, और जब इंसान का व्यवहार अच्छा होता है तो सभी इम्प्लॉयज के साथ अच्छे से बना के चलता है, और वहीं दूसरी ओर अगर इंसान का व्यवहार बेकार होता है, खराब होता है, तो वो दूसरे इम्प्लॉयज को कुछ समझता ही नहीं है, कंपनी का जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ना उसे खराब करता है, और जो इंसान बेकार है दूसरों को हक मारता है तो उस इंसान का क्या भरोसा, वो कंपनी में भी घोटाले कर सकता है। देखो साक्षी, इंसानियत और ईमानदारी दो ऐसे गुण हैं जो इंसान को असल मायने में इंसान बनाते हैं। अगर इंसान का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, तो फिर वो इंसान कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। पर सर एटलीस्ट आप मुझे एक मौका तो दे दीजिए। नहीं मिस साक्षी, मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, और सुनू भी क्यों, आपने कोई बहुत फक्र वाला काम तो किया नहीं है, काम ऐसा किया आपने कि आपकी शक्ल देखकर भी गुस्सा आ रहा है मुझे। प्लीज जाएं और अपना और हमारा टाइम बर्बाद ना करें, प्लीज गो। सुमित आप जाओ और अपना काम करो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या इंटरव्यू लेते वक्त इंसान की इंसानियत, इंसान का व्यवहार, ऐसे गुणों को देखना चाहिए या नहीं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग दूसरे इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, वो दूसरे इंसानों का मजाक बनाते हैं, उनके हक को मारते हैं। ऐसे लोगों से ना तो दोस्ती रखनी चाहिए, ना ही अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को काम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगत से इंसान की ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए अपना फ्रेंड सर्कल वाइजली चुने, अपने एम्प्लॉयज़ को वाइजली चुने। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारी कहानी का मैसेज पसंद आया हो, तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ।